विश्व पर्यावरण दिवस आज 5 जून के मौके पर खनिया थाना नगर में साइकिलिंग टीम और नगर परिषद द्वारा विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन कर नगरवासियों से पर्यावरण बचाने, अधिक से अधिक पेड़ लगाने तथा सुरक्षित रखने का संकल्प दिलाया गया। इस नगर परिषद खनिया थाना में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर नगर परिषद CMO संतोष सोनी व कर्मचारियों और साइकिल टीम ने नरसिंह तालाब में श्रमदान करते हुए कचरे की सफाई के साथ ही नगर परिषद खनिया थाना में पौधारोपण किया। इस कार्यक्रम में भाजपा नेता पंजाब सिंह यादव के साथ भाजपा नेतागण, पार्षदगण और पत्रकार लोग मौजूद रहे। आज पर्यावरण दिवस के उपलक्ष में साइकिलिंग टीम की ओर से वृक्षारोपण पौधरोपण का प्रोग्राम किया है, क्या पूरा कार्यक्रम रहा? चूंकि खनिया थाना नगर में साइकिलिंग टीम है जो कि व्यायाम इत्यादि के ऊपर महत्वपूर्ण अपना योगदान देती है और करती रहती है, उसी के उपलक्ष में आज विश्व पर्यावरण दिवस है, जिसके चलते हमारी संपूर्ण साइकिलिंग टीम ने दो मुख्य कामों को आगे रख के आज ये पूरा अभियान चलाया। एक तो सफाई अभियान और दूसरा जो है पेड़ लगाने का अभियान। इन दोनों अभियानों पे आज हमने काम किया है। क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस है इसलिए दोनों चीज़ आवश्यक हैं कि अगर हम सफाई व्यवस्थित तरीके से रखेंगे तो बहुत सारी जो बीमारियाँ हैं उनसे हम बचेंगे, और हम पेड़ लगाएंगे तो हमें स्वच्छ वायु और ऑक्सीजन की कमी हमारे शरीर में नहीं रहेगी, जिससे हम और हमारे आगे वाली आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो सुरक्षित रहेंगी। इसी के चलते आज साइकिलिंग टीम ने, हम सभी लोगों ने मिल करके आज वृक्षारोपण किया और सफाई अभियान किया। आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस मुहिम से? मुहिम से संदेश इतना ही देना चाहते हैं कि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अपने आसपास की सफाई, सुरक्षा, और साथ में अभी हमने वर्तमान में देखा है कि इतनी भीषण गर्मी हमारे बीच में एक उदाहरण के तौर पर रही है, उसका कारण ही ये है कि वृक्षारोपण की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा है। काटने के ऊपर सबका ध्यान जा रहा है, लगाने के ऊपर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, जिससे हम सभी सुरक्षित रहें। सर, आज पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में नगर परिषद की ओर से कोई काम किए गए हैं, जैसे तालाब की सफाई यानी स्वच्छता अभियान और साथ में वृक्षारोपण पौधरोपण, तो क्या है पूरा? शासन के आदेश अनुसार आज तालाब के पास में जो गंदगी वगैरह थी उसको सफाई की है, उसका जीर्णोद्धार सभी नदी नालों और तालाबों को शासन के आदेश अनुसार सबकी मरम्मत उसका सही ढंग से सुचारू रूप से उनको सही करवाना है। 15 से 5 तारीख से लेकर 16 तारीख तक पर रोजाना ये अभियान चलता रहेगा स्वच्छता के प्रति। और आज हमने नगर पालिका में भी वृक्षारोपण किया है, 25-30 पेड़ लगाए हैं, कि सब लोगों से बस यही निवेदन है कि वृक्षों को जितना हो उतना उतना लगाएं और पर्यावरण के सुरक्षा सबके लिए भैया धन्यवाद। भाई जो आज वृक्षारोपण पौधरोपण का प्रोग्राम हुआ है, क्या कार्यक्रम रहा? आज वैसे तो अपने नरसिंह तालाब की सफाई पर्यावरण दिवस है, तो पर्यावरण में सभी चीज़ें आती हैं, जल, जंगल और ज़मीन। तो तालाब की सफाई भी की इस संदेश के साथ कि ये तालाब स्वच्छ रहे, जो खनिया थाना की सुंदरता का प्रतीक है, पहचान है। ऐसे ही हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ पर वृक्षारोपण भी किया गया, और मैं आपके माध्यम से एक चीज़ आज बताए दे रहा हूँ, और वो समय भी आएगा कि ये वीडियो आप रखना सुरक्षित अपने पास। ये जितने नौजवान साथी हैं, ये यहाँ पर कोई भी 10-15 एकड़ ज़मीन सरकारी जो होगी उसको संरक्षित करके उस 10 एकड़ में ऐसे वृक्ष लगाएंगे, ऐसा जंगल खड़ा करेंगे जहाँ लोग घूमने आएंगे, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ इस बात का।